हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआईसीए। ये है हमारी वीडियो नंबर 24, जिसके अंदर हमने पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट कर दिया था हमारे मोटिवेशन चैप्टर के अंदर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और हमने हमारी पहली थ्योरी भी पढ़ ली थी कल, जिसका नाम था मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। जिसने नहीं पढ़ी है वो वापस जाके पढ़ सकता है, और कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है। हमने हमारी पहली थ्योरी पढ़ ली है, आज हम पढ़ेंगे हमारी दूसरी थ्योरी, जिसका नाम है हर्ज़बर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी। आज ये थ्योरी हम कंप्लीट पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल थ्योरी है। पूरी वीडियो को एंड तक देखना, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि जो हमारी हर्ज़बर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी है उसके अंदर क्या है। ठीक है, ये तो बात रही आज की हमारी थ्योरी की। अब मैं बात कर लेता हूँ, एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि ये जो थ्योरीज है हमें क्यों पढ़नी पड़ती है। मैंने जब फर्स्ट थ्योरी पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको ये बताया था कि ये जो थ्योरीज है वो हमें क्यों पढ़नी पड़ रही है। आज वापस से दोबारा मैं आपको वही सेम बात बता रहा हूँ, ये थ्योरीज हमें इसलिए पढ़नी पड़ रही है क्योंकि इन फ्यूचर आप कोई मैनेजर बनते हैं, कोई डायरेक्टर बनते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए थ्योरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरीज आपकी हेल्प करती है सही तरीके से मोटिवेट करने में। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे मेरे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, एक मैनेजर ने डिसाइड किया है कि मुझे मेरे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, तो इन थ्योरीज की वजह से 101% आप सही तरीके से आपके एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये थ्योरीज हमको एज अ गाइड करती है, समझाती है कि मोटिवेट करना है पर सही तरीके से कैसे करना है, ये थ्योरीज हमें ये समझाती है। तो हमने ये तो बात करी थोड़ी सी जनरल की क्यों पढ़नी पड़ती है ये थ्योरीज, और हम स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरी नंबर सेकंड, जिसका नाम है हर्ज़बर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी। ये बहुत सिंपल थ्योरी है, सबसे पहली बात बताऊं ये इस चैप्टर की सबसे सिंपल थ्योरी है। ठीक है, हर्ज़बर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी, ठीक है, हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी है भैया। जैसे हमको पता है कि ये हायरार्की ऑफ नीड्स है, ये जो थ्योरी थी हमारी थ्योरी नंबर 1 जिसको हमने कहा था हायरार्की ऑफ नीड्स, ये किसने दी थी हमें, मैस्लो ने दी थी, मैस्लोस की ये थ्योरी है। अब वैसे ही जो हमारी जो सेकंड थ्योरी है टू फैक्टर्स थ्योरी, ये किसने दी है, ये हमें दी है हर्ज़बर्ग ने। क्या नाम है उनका, हर्ज़बर्ग, पूरा नाम देखते हैं, उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। तो ये हमारी जो सेकंड थ्योरी है जिसका नाम है टू फैक्टर्स थ्योरी, ये हमें किसने दी है बच्चों, ये हमें दी है, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। उनका नाम क्या था, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग नाम था उनका, जिन्होंने हमें ये सेकंड थ्योरी दी है टू फैक्टर्स थ्योरी। अब ये थ्योरी कैसे उन्होंने बनाई, किस तरीके से उन्होंने डेवलप करी, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि भैया मैंने ये थ्योरी बनाई है ना कि ऐसे बनाई, कैसे बनाई देखते हैं। दिस थ्योरी इज रिजल्ट, यानी कि ये थ्योरी जो बनी है उसका जो रिजल्ट आया है वो कैसे आया है, कैसे बनी है, ऑफ 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट, जो हमारे फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग थे ना, उन्होंने 200 अकाउंटेंट और इंजीनियर पे रिसर्च करी, देखा कि वो कैसे काम करते हैं, कौन सी चीज उनको मोटिवेट करती है, कौन सी चीज उनको डीमोटिवेट करती है, उन्होंने सारे उनको ऑब्जर्व कर, यानी कि 200 लोगों को, कौन से इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स को उन्होंने ऑब्जर्व करा, देखा कि वो कैसे काम करते हैं अलग अलग कंपनीज में, कितनी कंपनीज में, 11 कंपनीज में अलग अलग कंपनीज में 200 इंप्लॉइज पर, 200 इंजीनियर्स पर और अकाउंटेंट्स पर उन्होंने रिसर्च करी। उसके बाद उन्होंने हमें कौन सी थ्योरी दी है बेटा, टू फैक्टर्स थ्योरी उन्होंने हमें दी है। तो उसी चीज को आज हम इसमें पढ़ेंगे कि वो टू फैक्टर्स कौन से, वो दो फैक्टर्स हैं, एक तो हाइजीन फैक्टर और दूसरा मोटिवेशन फैक्टर, जो आपको इधर दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ी सी देर बाद हम इसमें बढ़ने वाले हैं, पर मैं आपको वापस जनरल चीज क्लियर कर देता हूं, जो हमारी थ्योरी नंबर सेकंड है उसका नाम क्या है बेटा, टू फैक्टर्स थ्योरी। इसका नाम क्या है, टू फैक्टर्स थ्योरी। टू फैक्टर्स का मतलब दो चीजें हैं इस थ्योरी के अंदर, दो चीजों के बारे में बात करना है, यानी कि आपको दो वर्ड्स लर्न करने हैं। कौन कौन से दो वर्ड्स लर्न कर रहे हैं, फटाफट मेरे साथ लर्न कर लो। एक तो है हमारा हाइजीन फैक्टर और दूसरा है हमारा मोटिवेशन फैक्टर्स। जब कोई जैसे ही ये टू फैक्टर्स थ्योरी आए तो आपके दिमाग में क्लियर पता होनी चाहिए ये दो वर्ड्स, कौन सा है, पहला हाइजीन फैक्टर और दूसरा है मोटिवेशन फैक्टर, जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो टू फैक्टर्स थ्योरी के अंदर हमने देख लिया कि कौन से दो फैक्टर्स है। ये थ्योरी किसने दी है बेटा, ये थ्योरी दी है हमारे फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। किसने दी है, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने ये हमारी थ्योरी दी है। उन्होंने ये थ्योरी कैसे बनाई है, उन्होंने ये थ्योरी बनाई है, उन्होंने 200
किस पे? 200 इंजीनियर्स पे और अकाउंटेंट्स पे उन्होंने ऑब्जर्व करा है, देखा है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी चीज उनको मोटिवेट करती है, कौन सी चीज उनको डीमोटिवेट करती है, उसका उन्होंने एक पूरा कंक्लूजन, पूरी थ्योरी प्रिपेयर करी है जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि उन्होंने कैसे बनाई है ये थ्योरी और किसने बनाई है ये थ्योरी। अब बढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर क्या लिखा था। उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बस इतना सा मैटर लिखा था, देख लो ना, अभी छोटी सी थ्योरी से बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है ना। तो इन्होंने ये दो नाम लिखे थे, पहला नाम है हाइजीन फैक्टर एंड द सेकंड वन इज मोटिवेटिंग फैक्टर्स। उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर इन दोनों चीजों के बारे में बात कर रखी है। सबसे पहले बात कर रहे हैं ये हाइजीन फैक्टर क्या होता है। हाइजीन फैक्टर क्या होता है, इसको समझने से पहले एक चीज का नाम याद रखना कि हाइजीन फैक्टर्स वो चीजें हैं जो कि कंपलसरी, इसलिए मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी देर बाद पता चलने वाला है कि मैंने सी क्यों लिखा है यहाँ पर, ये सी का मतलब है कंपलसरी। क्या है बेटा? कंपलसरी। अब बात कर लेते हैं कि हाइजीन फैक्टर क्या है, एक्चुअल में क्या है हाइजीन फैक्टर, क्या होता है हाइजीन फैक्टर्स। डू नॉट प्रोवाइड, सही से पढ़ना देखना, फैक्टर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी सेटिस्फेक्शन। ऐसी चीजें ऐसे फैक्टर्स जो आपको खुश नहीं कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं टू द एम्प्लॉय, किसको? एम्प्लॉय को। ऐसी चीजें जो हमारे एम्प्लॉय को खुशी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, बट लेकिन देयर एब्सेंस, पर वो फैक्टर्स अगर नहीं होते हैं, वो चीजें अगर हम नहीं देते हैं तो वो उसको डिससेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, उसको उदास कर देते हैं, उसको हम कहते हैं हाइजीन फैक्टर। मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे कि आप तो एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, आप सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसका मैं मालिक हूं, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं मालिक हूं। अब सपोज करो सभी स्टूडेंट, मेरे 14 स्टूडेंट्स उस कंपनी में अच्छे से दिल लगाकर मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक रोजाना आते हैं, काम करते हैं। अब सपोज करो जैसे ही मंथ का एंड होता है तो मैं आपको सैलरी नहीं देता हूं, ठीक है ना, मैं आपको सैलरी नहीं देता हूं। आप आते हो, सर हमने काम किया सैलरी, यार क्या करोगे सैलरी का, रहने दो, मैं मना कर देता हूं सर, तो आप क्या खुश हो गए क्या? अफकोर्स छोटी सी बात है, सिंपल सी, सर ये कैसी बात कर रहे हो, कोई भी खुश नहीं होता। अगर काम कर रहा है तो बदले में सैलरी तो चाहिए। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है हाइजीन फैक्टर्स में, यानी कि ये वो चीजें जो कि कंपलसरी, देना कंपलसरी है। अगर आप इनको देते हो तो कोई भी मजा नहीं आ रहा, कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, पर अगर आप इनको नहीं देते हो तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं, मेरे को बुरा लगता है। जैसे कि सैलरी, हमारा एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, हमारा एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो मंथ के एंड में उसको सैलरी देना जरूरी है। उस सैलरी को देने से वो खुश हो रहा है, वो क्या हो रहा है, खुश हो रहा है, उसको देना कंपलसरी है, पर वो मोटिवेट नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, हम सैलरी उसको दे रहे हैं तो उस सैलरी से देने से खुश तो हो रहा है, पर अगर हम उसको उस सैलरी नहीं देंगे तो दुखी हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको ठीक लग रहा है, हाँ यार सही है पढ़ा रहे हैं, पर अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं और आपके पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं कि भैया आशीष सर से बिजनेस पढ़ना, पर आशीष सर तो पढ़ाएंगे नहीं, तो आशीष जब सर पढ़ाएंगे नहीं तो आप तो डिमोटिवेट हो जाओगे। तो बेटा वहां पर ये लिख रखा है कि ये जो हाइजीन फैक्टर्स है ये वो फैक्टर्स हैं जिसको देना कंपलसरी है। जैसे कि हर एक कंपनी को सैलरी देना कंपलसरी है, अपने एम्प्लॉइज को, लेबर को वेजेस देना कंपलसरी है, हमारे कंपनी के वर्कर्स हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना जरूरी है, अच्छा वर्किंग कंडीशन देना जरूरी है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं देते हो तो वो क्या हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि अरे ये क्या होता है, काम तो करवा ले पैसे नहीं दे रही, अरे छोड़ो इस कंपनी को। तो हाइजीन फैक्टर का मतलब बस इतना सा याद रखो, ये वो फैक्टर्स है, वो चीजें हैं जो कि कंपलसरी है, देना जरूरी है। अगर आप इनको देते हो तो ठीक है, ठीक ठीक चल रहा है, और अगर नहीं देते हो तो आपके जो इंप्लॉइज है वो गुस्सा हो जाएंगे, मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो नहीं करूं, मैं तो जा रहा हूं सर, मैं तो छोड़ रहा हूं, पैसे नहीं देते हमको, पैसे नहीं देते फ्री में थोड़ी काम करें। तो ये वो चीजें, वापस अच्छे से समझ लेना, ये वो चीजें हैं हाइजीन फैक्टर का मतलब, वो चीजें हैं हमारे जो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग है उन्होंने बताया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको देना कंपलसरी है, अगर आप उनको नहीं देते हो तो आपका जो एम्प्लॉई है वो क्या हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा, उसका काम करने का मन नहीं करेगा, वो आपकी कंपनी को छोड़ जाएगा।
क्यों? क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और आप उसको सैलरी नहीं दे रहे, तो कोई काम करेगा क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं करेगा। आपकी जो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है लेबर, उसको आप वेजेस ही नहीं दे रहे, तो वो क्या काम करेगी? नहीं करेगी। आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको आप जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा रहे। जॉब सिक्योरिटी क्या होता है बेटा, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वापस से मैं बता देता हूँ। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कि आप सपोज करो आप इतने सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर, अब मैंने उससे ये बोल दिया कि बेटा तुम अच्छे से काम करो, एम्प्लॉई बेटा एम्प्लॉई तुम अच्छे से काम करो, मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारी ये परमानेंट नौकरी, तुम्हें इस कंपनी से कोई भी नहीं निकले। तो अगर आप ऐसा नहीं बोलते हो, ये चीज भी नहीं देते हो, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड कराते हो, तो डिमोटिवेट हो जाएगा यार। उससे ये बोल दिया कि अगर तुमने काम नहीं कराना तो मैं तुम्हें एक सप्ताह में ही निकाल दूं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए बोला जाता है हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स है, ये कंपलसरी फैक्टर्स है जिन्हें देना कंपलसरी है भाई। अगर आप इनको देते हो तो मजा नहीं आ रहा, सैलरी आपको मिल रही तो कहीं मजा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा भाई, सैलरी तो मिलेगी, काम करना तो सैलरी मिलेगी, पर अगर मैं आपको सैलरी नहीं देता हूँ तो आप गुस्सा हो जाते हो, आपको मजा नहीं आता, अरे आपका काम करने का मन ही नहीं करता, मैं तो छोड़ूंगा यार, सैलरी नहीं मिल रही, पैसा कमाने के लिए तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ये पैसा ही नहीं दे रही, तो क्या मतलब है? तो आपको याद रखना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको अपने एम्प्लॉइज को देना कंपलसरी है, दैट इज कॉल्ड एज हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिन्हें देना कंपलसरी है, जैसे कि सैलरी, वेजेस, जॉब सिक्योरिटी, अच्छा वर्क कंडीशन, वर्किंग एनवायरमेंट, ये सभी चीजें देना कंपलसरी है, उसको हम कहते हैं हाइजीन फैक्टर, जो कि हमारा टू फैक्टर्स थ्योरी का पहला फैक्टर है। किसका? टू फैक्टर थ्योरी का पहला फैक्टर है जिसका नाम है हाइजीन फैक्टर। अब बात करते हैं और बढ़ते हैं सेकंड फैक्टर में जिसका नाम है मोटिवेटिंग फैक्टर। मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? These factors provide satisfaction. ये वो फैक्टर है कि जो आपको satisfaction provide कराता है to the employees. किसको? आपके employees को। ये वो factors हैं, वो चीजें हैं। क्या हैं ये factors का मतलब? चीजें। वो चीजें हैं जो कि आपके जो employee है उसको satisfaction provide कराता है। क्या provide कराता है बेटा? Satisfaction. क्या? Satisfaction provide कराता है, but लेकिन their absence. पर अगर आप इसको नहीं देते हो, इन चीजों को नहीं देते हो, तो वो आपके एम्प्लॉई को डीमोटिवेट नहीं करेगा, डिससैटिस्फाई नहीं करेगा। कुल मिलाकर ये बोल रहा हूं, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा हाइजीन फैक्टर में, एक एम्प्लॉई, ये एम्प्लॉई है हमारा, ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉई है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? वर्क कर रहा है, तो इसको सैलरी देना कंपलसरी है, सिंपल सी बात है। सैलरी नहीं देंगे तो ये जो एम्प्लॉई है ये काम को करने नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं? हाइजीन फैक्टर्स। मोटिवेटिंग फैक्टर का मतलब है कि ये आपका एम्प्लॉई है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? वर्क कर रहा है। इसको आप सैलरी दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सैलरी देना कंपलसरी, पर सैलरी के साथ साथ आप उसको बोनस भी दे रहे हो, सैलरी के साथ साथ आप उसको बोनस भी दे रहे हो। मतलब क्या बोल रहा हूँ बेटा? आप काम कर रहे हो, आप 14 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, मैं उनको मंथली सैलरी दे रहा हूँ, पर उसके साथ साथ खुश होकर, उनकी काम से खुश होकर, आने वाली दिवाली जो आने वाली है नवंबर में, अक्टूबर में, उसमें मैंने उनको डिसाइड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि आने वाली दिवाली पर आप सभी जो 10 इंप्लॉइज हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, उनको आने वाली दिवाली पे मैं बोनस भी दूंगा, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। तो उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ये बताते हैं कि अगर आपके एम्प्लॉई को सैलरी के साथ साथ आप एक्स्ट्रा चीज देते हो, जैसे कि बोनस देते हो, तो आपका एम्प्लॉई खुश हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? मोटिवेटिंग फैक्टर्स कहते हैं। एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें देना कंपलसरी, जैसे कि सैलरी देना कंपलसरी, उसको वेजेस देना कंपलसरी, जॉब सिक्योरिटी देना कंपलसरी, तो ये वो चीजें जिन्हें देना कंपलसरी, अगर नहीं देते हो तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप नहीं देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बोनस नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं, फिर भी खुशी से काम कर रहा, पर जैसे उसको बोनस दे दिया तो वो डबल खुश हो गया, और वाह बोनस, बोनस एक्स्ट्रा पैसा, तो वो और ज्यादा खुश हो गया। यानी कि मोटिवेटिंग फैक्टर का मतलब क्या है बेटा? अगर आप इनको नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, रोजाना आ रहा है काम कर, पर अगर आप बोनस दे देते हो तो वो डबल खुश हो, और वाह मेरे को बोनस मिल गया, और वाह मजा है। पर यहां पर आपके हाइजीन फैक्टर में आप उसको सैलरी दे रहे हो तो वो काम, पर जैसे आपने उसको सैलरी नहीं दी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भाग गया,
अरे भैया काम थोड़ी करेंगे फ्री में, काम नहीं करना। तो हाइजीन फैक्टर का मतलब है बेटा सी, कंपलसरी फैक्टर्स है, पर हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स कंपलसरी फैक्टर्स नहीं है। क्या नहीं है? कंपलसरी फैक्टर्स नहीं है हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर। तो मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या है देखो यहां पे, या हमने लिख रखा है बोनस, आप बोनस दे रहे हो आपके एम्प्लॉइज को, तो ये क्या कहते हैं, एक मोटिवेटिंग फैक्टर। दूसरी चीज है ओनर, ओनर का मतलब बोल रखा है आप आपके एम्प्लॉइज की तारीफ कर रहे हो, मैं मेरे स्टूडेंट्स की तारीफ करता हूं, मैं मेरे बच्चों की तारीफ करता हूं ताकि वो मोटिवेट होकर अच्छे से और अच्छे से असाइनमेंट करें। तो यहां पर क्या है, तारीफ करना, हमारा जो मैनेजर है अपने एम्प्लॉइज की तारीफ कर रहा है, सैलरी उनको बराबर दे रहा है, सब उनको बराबर दे रहा है, पर उसके साथ साथ उनकी तारीफ भी करता है। उन्होंने छोटा सा भी अच्छा काम कर देते हैं तो 10 लोगों के सामने उसकी तारीफ करता है। अब 10 लोगों के सामने आपकी तारीफ होगी तो आपको तो अच्छा लगेगा इसे, तो वैसे ही हमारे एम्प्लॉय को भी अच्छा लगता है, तो वो भी क्या होता है हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। और लास्ट है पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब उसको टाइम टू टाइम ट्रेन कर रहे हैं, नई नई चीज सिखा रही जा रही है, यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे एम्प्लॉय को नई नई चीज सिखा रही है, जिसकी वजह से उसका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका करियर डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस चीज से भी हमारा एम्प्लॉय खुश होता है और अच्छे से काम करता है। तो हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या है बच्चों, लास्ट बार वापस बता रहा हूं मैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिसको अगर हम दे रहे हैं तो हमारा एम्प्लॉय खुश है और डबल खुश हो जाएगा और मजा आ गया, पर अगर नहीं दे रहे तो वो सैड भी नहीं होगा, वो दुखी भी नहीं होगा, वो उदास भी नहीं होगा, वो डिससैटिस्फाइड भी नहीं होगा। क्या लिख रखा है देखो, दिस फैक्टर्स प्रोवाइड सैटिस्फैक्शन, अगर ये चीजें देते हो, उसको बोनस देते हो, ऑनर करते हो, उसकी तारीफ करते हो, उसका पर्सनल डेवलपमेंट करते हो, तो उससे वो डबल खुश हो जाता है, मजा आ जाता है, मोटिवेट हो जाता है। पर अगर आप नहीं कर रहे, अगर आप ये चीजें नहीं दे रहे तो उससे वो डिससैटिस्फाइड नहीं होता, डिमोटिवेट नहीं होता। कोई बात नहीं, इस साल हमको फायदा नहीं हुआ इसलिए हमने बोनस नहीं दिया, तो इसकी वजह से हमारा एम्प्लॉय डिमोटिवेट तो नहीं होगा, नहीं होगा, समझता है हमारा एम्प्लॉय यार भाई कंपनी को लॉस हुआ है इस साल, इस वजह से उसने बोनस नहीं दिया, तो डिमोटिवेट नहीं होगा। पर अगर कंपनी ने काम करवा लिया और सैलरी नहीं दी तो वो तो डिमोटिवेट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर का मतलब क्या है बेटा, साफ साफ याद रखो कि ये वो फैक्टर्स है जो कि देना कंपलसरी है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में काम करते हो, अगर कोई बच्चा सीए बनता है, कोई बच्चा मैनेजर बनता है, या कोई बच्चा एम्प्लॉई के रूप में जॉब करता है बैंक में या फिर कोई से भी सेक्टर में, तो अगर उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो वो तो दुखी हो जाएगा ना, क्योंकि नौकरी क्यों कर रहा है, सैलरी के लिए कर रहा है, तो अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो दुखी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आपको आपकी कंपनी में ये सारी चीजें, ये जो सारे फैक्टर्स हैं उसको देना कंपलसरी, हर एक एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एम्प्लॉय खुश नहीं रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं, हाइजीन फैक्टर कहते हैं। हमारे फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, क्या नाम है, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी में ये बताना चाहते हैं कि एक हमारा हाइजीन फैक्टर होता है, एक हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। अगर आप तो डिसाइड कर रहे हो कि हम हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने उनको सारी कंपलसरी चीजें दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, क्या मैं उनको सैलरी दे रहा नहीं दे रहा टाइम पे, क्या मैं उनको वेजेस दे रहा नहीं दे रहा टाइम पे, क्या मैंने उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई नहीं कराई, क्या मैंने उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया नहीं कराया, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया नहीं कराया। अगर नहीं करवाया तो सबसे पहले ये कंपलसरी चीजें ये दो, उसके बाद डिसाइड करो कि उनको मोटिवेट करो। तो ये वो चीजें जो कि कंपलसरी है, नाम से याद रखना कि ये वो चीजें जो कि कंपलसरी है, हर एक कंपनी को देना जरूरी है, उसको हम कहते हैं हाइजीन फैक्टर। मोटिवेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको अगर हम दे रहे हैं तो हमारा एम्प्लॉय डबल खुश हो जाता है, सैलरी दे रहे हैं उसके साथ बोनस भी देता तो वो और ज्यादा खुश हो जाएगा, उसको हम ये कहते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो हमारी हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी है उसके अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, दो चीजें होती है, दो नाम को याद रख लो। एक तो होता है हमारा कौन सा, हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर को किससे नाम से याद रख लो कि भाई कंपलसरी चीज है, ये कंपलसरी चीज है, जैसे कि सैलरी देना कंपलसरी है, जॉब सिक्योरिटी देना कंपलसरी है, वेजेस देना कंपलसरी है, तो ये देना जरूरी है। अगर नहीं देते हो आप इन चीजों को तो आपका एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में से काम छोड़कर भाग जाएगा, तो ये हमने समझा। दूसरा होता है हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर, वो होता है ये मोटिवेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जिससे अगर आप देते हो तो आपका एम्प्लॉय डबल खुश हो जाएगा, डबल खुशी तो था ही सही, डबल खुश हो गया, सैलरी तो मिल रही थी, बोनस भी मिल रहा, वाह मजा आ गया, तो वो क्या कहते हैं, हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स कहते हैं, जो कि आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए
और मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।